उत्तर प्रदेश के बस्ती से बड़ी खबर में आपको बता दें, 25,000 के इनामी अभियुक्त न्यायिक तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की हुई गिरफ्तारी। कोतवाल विनय पाठक एसओजी प्रभारी गजेंद्र प्रताप सिंह, स्वास्थ्य प्रभारी उमा शंकर त्रिपाठी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। बस्ती जिले के कोतवाली थाना के रोडवेज के पास से हुई आरोपी न्यायिक तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की गिरफ्तारी। आरोपी न्यायिक तहसीलदार घनश्याम शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी 6 टीमें। बलात्कार का प्रयास करने तथा हत्या की कोशिश करने के मामले में दर्ज था घनश्याम शुक्ला पर मुकदमा। बस्ती कोतवाली से मेडिकल पर ले जाते समय न्यायिक तहसीलदार घनश्याम ने दिया बयान। गिरफ्तार आरोपी न्यायिक तहसीलदार घनश्याम शुक्ला ने बयान में दी अपनी सफाई। आरोपी घनश्याम शुक्ला ने कहा कि मैं भागा नहीं था, एसडीएम से 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था। महिला न्यायिक तहसीलदार के आरोपों पर कहा कि जांच चल रही है। न्यायिक तहसीलदार घनश्याम शुक्ला ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, जांच में पता चल जाएगा। अब देखिए जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच हो जाएगी। जो आरोप है वो सही है कि गलत है? आरोप बिल्कुल निराधार असत्य। आरोप जांच चल रही है। एक ऑडियो भी उसमें आपका सामने आया, उस ऑडियो में आप बातचीत कर रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। किसमें? ऑडियो एक है हमारे पास। अब मैं सुनूंगा तभी कुछ कह पाऊंगा, सुने कैसे कहूंगा। आरोप गलत है आपका ये कहना? हाँ बिल्कुल आरोप गलत। तो क्यों आप पुलिस से भाग रहे थे इतने दिन से? नहीं, मैं पुलिस से भाग नहीं रहा था, मैं एसडीएम साहब को छुट्टी का अवकाश दिया था 2 हफ्ते का। हाँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा था तो मैं गया। तो अभी अपनी सफाई में आप क्या कहेंगे? नहीं, जांच चल रही है, जैसा होगा वैसा। ठीक। दिनांक 17/11/2023 को थाना कोतवाली बस्ती पर पंजीकृत अपराध संख्या 363/23 अंतर्गत धारा 452, 323, 54, 354, 307, 376, 511 IPC में वांछित अभियुक्त घनश्याम शुक्ला को आज रोडवेज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसमें उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके पश्चात इसमें शेष विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा।